हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज फिर से मैं लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और उतनी ही क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें, उसे गैस पर रख लिया है और गैस हमारी ऑन है। और दो कटोरी यहाँ पर पानी लिया, आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें। और ये आधा चम्मच नमक लिया है, खड़ा जीरा लेंगे 1/4 चम्मच, और ये कुटा हुआ लाल मिर्ची है, 2 बारीक काट लिया है हरी मिर्ची, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो डालें। और ये कुछ करी पत्ते जिन्हें बारीक काट लिया है, इसकी जगह आप धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेड, तो ब्रेड को इस तरह से हम रख देंगे। और जैसे ही नीचे से पानी गर्म होने लगेगा, तो देखिए ब्रेड हमारा फूल गया है। अब ये 1 कटोरी सूजी ली है, जिस कटोरी से पानी लिया था 2 कटोरी, उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है। तो आप मेज़रमेंट का ध्यान रखें, आप जितना सूजी लें उसका डबल हमें पानी चाहिए। और कलछी की मदद से इसको घेपते हुए हम बढ़िया सा डो मिक्स कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाता है, मिनटों में ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, बराबर से चलाते रहेंगे। और इस नाश्ते की सबसे खास बात ये है कि आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, और जब आपका मन करे तो ऐसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। ये देखिए, यहाँ पे गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि ये ड्राई हो गया है, और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट के बाद ये काफ़ी ठंडा हो गया, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, बस इतना है जितना हम हाथों से छू सकें। तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद मसल कर इसको पूरी तरह से चिकना कर लेंगे। मसल कर चिकना करने से एक फ़ायदा होता है कि जब भी हम इसे किसी शेप में लाएंगे, नाश्ते का शेप देंगे, तो बहुत ही अच्छा बनेगा, वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब एक नींबू से थोड़ा सा छोटा साइज का यहाँ पे टुकड़ा लिया है, और इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे। आप जो भी शेप चाहें, जिस तरह का आप बनाना चाहें उस तरह से इसे बना सकते हैं। डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, स्लो फ्राई करना चाहें तो स्लो फ्राई कर सकते हैं। तो दूसरा पीस भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से झटपट से सारे पीस हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बस इस तरह से अगर आपको तुरंत नहीं खाना है तो आप इसे फ्रिज में लगा दीजिए, और जब आपका मन करे तब इसे आप फ्राई करिए और इंजॉय करिए। तो गैस पे मैंने रखी कढ़ाई, अब इस पर डालेंगे तेल। और जैसे ही तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा, तेल को हमें अच्छा गर्म करना है, मीडियम लो पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। पहले हम गैस के फ्लेम को हाई ही रखेंगे, और जब ये काफ़ी हद तक सिकने लगेंगे तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, जिससे कि ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएं। दो ही ब्रेड से और 1 कटोरी सूजी से ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए नीचे से ये कलर चेंज करने लगे हैं, तो इनको हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड भी अच्छे पक जाएँ। इसे आप चाय के साथ बना सकते हैं, या कोई मेहमान आ जाए बच्चों को टिफिन में भी आप दे सकते हैं इस तरह से बनाकर। देखिए बहुत ही अच्छे पककर क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। आपने देखा, सिर्फ 2 सामान से हमारा नाश्ता बन गया है बिना किसी मसालों के। और इसी तरह से जो बचे हुए पीसेस रखे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए चलाते रहेंगे जिसे एक बराबर ये पक जाएं। बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। तो ये देखिए सभी पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत क्रिस्प बने हैं। जितना बाहर से क्रिस्पी हैं उतना ही अंदर से ये सॉफ्ट हैं। तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट नरम। ये बड़े और बच्चे सभी को पसंद आने वाला नाश्ता है। तो आप भी बनाइए, खाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।